मेरी प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं नीरज कुमार, आरएस कॉलेज तारापुर, मुंगेर यूनिवर्सिटी का इतिहास विभाग अध्यक्ष हूँ। आज मैं महाजनपद के बारे में चर्चा करूँगा, जो बीए पार्ट वन के छात्र छात्राओं को काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो आज महाजनपद के बारे में बात करेंगे। ये महाजनपद क्या होता था? ये महाजनपद की उत्पत्ति कहाँ, ये महाजनपद की उत्पत्ति कहाँ से लिया गया है, एक शब्द कहाँ से आया है? तो हम देखते हैं कि ये महाजनपद अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन किया गया है। और ये महाजनपद का अर्थ क्या होता है? महाजनपद का अर्थ होता है एक बड़ा राष्ट्र, एक बड़ा नगर, एक बड़ा राज्य के संदर्भ में कह सकते हैं, जिसकी और दूसरे महानगर, इस सब के सेंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख आया है, और ये 16 महाजनपद हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, क्रू, वत्स, पंचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कंधार, कंबोज एवं मत्स्य। ये 16 महाजनपद हैं। अब हम एक-एक करके इन सभी पे चर्चा करेंगे और इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस महाजनपद की क्या विशेषताएं हैं, और इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम अंग महाजनपद से प्रारंभ करते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। आधुनिक समय का मुंगेर और भागलपुर का इलाका ही अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। दूसरा है मगध। मगध राज्य की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। इनके मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ कहलाते हैं। इसके बाद जरासंध नामक सम्राट आया था। ये काफ़ी शक्तिशाली सम्राट था, और शक्तिशाली मगध साम्राज्य भी काफ़ी शक्तिशाली था। और फिर तीसरा है इसका काशी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। यहाँ के राजा अश्वसेन थे। अश्वसेन पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के पिता थे अश्वसेन। वो काशी के ही महाराजा थे। तो और काशी और कौशल में अक्सर युद्ध चलते रहते थे। कभी काशी की जीत होती थी तो कभी कौशल की जीत होती थी, और अंत में कौशल ने ही काशी को जीत लिया और उसके अंतर्गत चला गया। बाद में वो मगध के नरेश बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी से शादी करके काशी दहेज के रूप में ले लिया। अब कौशल महाजनपद के बारे में बात करते हैं। कौशल महाजनपद महाजनपद के प्रसिद्ध राजा राजा प्रसेनजीत थे। कौशल की सीमाएं पूर्व में सदानीरा नदी को ही गंडक नदी कहते हैं, और पश्चिम में पंचाल का प्रदेश था। उत्तर में नेपाल की तलहटी तराई का प्रदेश था,
दक्षिण में सेई नदी या सर्पिका नदी थी। कौशल प्रदेश जो बड़ा भूभाग था, तो फलतः सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी, तो फलतः इसकी दो राजधानियां हुई, एक उत्तरी कौशल दूसरा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। अब आते हैं बज्जी महाजनपद पे। बज्जी महाजनपद कुल 8 कुलों से मिलकर बना हुआ था। इनमें से 3 कुल काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिसमें बज्जी, विदेह और लिच्छवी थे। लिच्छवी की प्रतिष्ठा उस वक्त काफी ज्यादा थी। फलतः लिच्छवियों के आमंत्रण पर ही भगवान बुद्ध वैशाली आए थे। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली ही थी। मल्ल मल्ल महाजनपद का भी उल्लेख आया है। यह मल्ल जनपद गणतांत्रिक प्रणाली पे आधारित व्यवस्था थी। हालांकि कौटिल्य के समय आते आते यह प्रजातंत्र समाप्त हो गई थी और ये राजतंत्र के अंतर्गत आ गया था। और देखते हैं तो मल्ल राज की दो राजधानियां थी। पहली राजधानियां थी पहली राजधानी थी कुशीनगर और इसकी दूसरी राजधानी थी दूसरी पावा थी। अब चेदी महाजनपद के बारे में देखते हैं। चेदी महाजनपद मूलतः यमुना नदी के किनारे स्थित था और इसकी राजधानी सुक्तिमती था। आधुनिक समय का बुंदेलखंड का इलाका ही चेदी महाजनपद के अंतर्गत था। अब हम देखते हैं कुरु जनपद के बारे में, कुरु महाजनपद के बारे में। कुरु प्रदेश की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक समय का मेरठ का इलाका है कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। फिर देखते हैं वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और यहाँ वर्तमान में इलाहाबाद का एरिया ही वत्स जनपद के नाम से जाना जाता था। और यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। उदयन ने ही अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अब पंचाल महाजनपद के बारे में बात करते हैं। पंचाल महाजनपद उत्तर वैदिक काल से ही काफी प्रसिद्ध था। पंचाल महाजनपद की भी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी पंचाल दूसरा दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। कहा जाता है कि उत्तर वैदिक कालीन में कुरु और पंचाल का जोड़ा काफी ज्यादा प्रसिद्ध था और उन्होंने दोनों ने मिलकर काफी अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। अब सूरसेन महा जनपद के बारे में बात करते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और यहाँ के राजा का नाम अवंतीपुत्र था और इन्होंने भी अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। अवंतीपुत्र राजा के नाम से जैसा लगता है कि मथुरा और अवंती के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित था। अब अस्मक के बारे में, अस्मक महाजनपद के बारे में बात करते हैं। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था।
अस्मक अस्मक महाजनपद के अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतना थी, और सुत निकाय के महागोविंद सुत में ऐसा कहा गया है कि रेणु नामक सम्राट के ब्राह्मण पुरोहित महागोविंद ने अपने साम्राज्य को 7 भागों में बांटा था, जिसमें से कि एक अस्मक भी था। अस्मक राज्य में इच्छाकु वंश के क्षत्रियों का शासन था। अब अवंती के बारे में, अवंती महाजनपद के बारे में बात करते हैं। अवंती महाजनपद पश्चिमोत्तर भारत में स्थित था, जो कि मध्य प्रदेश और मालवा के इलाके से, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश और मालवा का जो इलाका है, वर्तमान प्राचीन काल में वो अवंती प्रदेश हुआ करता था। इनकी भी 2 राजधानियाँ थीं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मति थी। और यहाँ के राजा का नाम चंद्रप्रद्योत था। मगध के शासक मगध के नागवंश शासकों ने अवंती पे आक्रमण करके अवंती राष्ट्र को जीत भी लिया था। अब गंधार महाजनपद के बारे में बात करते हैं। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ये वही तक्षशिला है जहाँ पर कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि एक विश्वविद्यालय के तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहते हैं, वो वहीं के प्राध्यापक थे। तो तक्षशिला ज्ञान के लिए, ज्ञान और के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। वहाँ बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला ही कहा जाता है। तो वर्तमान में जो रावलपिंडी और पेशावर का जो इलाका है, प्राचीन काल में वो गंधार का ही भूभाग था। अब हम बात करते हैं कंबोज की, और ये बात करते हैं कंबोज की। कंबोज उत्तरापथ में ही स्थित था, जो आज हम वर्तमान में जो वर्तमान में जो हम रजौरा जो स्थित है, वर्तमान में जो रजौरी और हजारा जो इलाका है, वही प्राचीन काल में कंबोज था। कंबोज की राजधानी राजापुरा था या राजपुरा था। अब मत्स्य महाजनपद के बारे में बात करते हैं। मत्स्य महाजनपद वर्तमान में जयपुर का इलाका था, चूंकि राजा विराट ने मत्स्य जनपद की स्थापना किया था, इसलिए इसके राज्य के राजधानी को विराट नगर कहा जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि 16 महाजनपद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बार मैं फिर से उस महाजनपद के बारे में बात कर देता हूँ, जो कि वो 16 महाजनपद हैं। वो हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, कुरुवत्स, पंचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, कंधार, कंबोज एवं मत्स्य। तो ये महाजनपद थे जो अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन है। इनसे हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक स्थिति का भी अवलोकन करने को देखने को मिलता है। हम ये जान पाते हैं कि उस समय
राज की स्थिति कैसी थी, कौन से राज गणतात्मक थे और कौन से राजा प्रजातंत्र राजतंत्र के कट्टर समर्थक थे। हम देखते हैं कि मल्ल राष्ट्र और बज्जी बज्जी राष्ट्र, ये इस समय गणतंत्र प्रणाली स्थापित है। हालांकि बाद में इन लोगों के मतलब विलय हो जाता है, मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों ने इन पर आक्रमण करके इनकी स्वायत्तता समाप्त कर देती है और मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। हालांकि आज हम महाजनपद के बारे में बात किए, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा बात करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।